आज हम बनाने वाले हैं सभी बच्चों का फेवरेट और उनके लिए स्पेशल पनीर सैंडविच, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और हर बच्चे को बहुत पसंद भी आएगा। और खूब सारी इसमें सब्जियां हैं, पनीर है, जो बच्चों के लिए हेल्दी भी है। इस बहाने आप उन्हें ढेर सारी सब्जियां खिला भी पाएंगे। आप उनके लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, या जब भी वो स्कूल से आए तो उनके लिए आप गर्मा गर्म बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पनीर सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें एक चम्मच हम बटर डाल लेंगे। अब एक चम्मच मैंने बारीक कटी हुई अदरक ली है, भून लेंगे अदरक को हल्का सा। साथ ही साथ एक छोटा चम्मच मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, जो कि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची का इस्तेमाल यहाँ कम करेंगे। अब मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच यहाँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, इसे भी भून लेंगे हल्का सा। एक मैंने यहाँ बिल्कुल छोटे साइज का प्याज लिया है, उसे बारीक कट कर लिया है, प्याज को भी हम भून लेंगे। और साथ ही साथ 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ कद्दूकस की हुई गाजर ली है, इसे भी भून लेंगे। जो भी सब्जियाँ हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो हल्का सा हम भून लेंगे, लेकिन उसमें क्रंच रहना चाहिए। एक मैंने छोटे साइज़ का टमाटर लिया है तो इसे भी डाल लेंगे। टमाटर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच यहाँ लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच हम ऑरिगेनो डाल लेंगे। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑरिगेनो डालने से इसमें हल्का सा पिज्ज़े का फ्लेवर आएगा, इसलिए मैंने डाला है। अब मैंने यहाँ पिज़्ज़ा सॉस लिया है। पिज़्ज़ा सॉस, सेज़वान सॉस या चटनी आप कोई भी ले सकते हैं, या फिर टोमेटो केचप भी। और 1 चम्मच मैंने टोमेटो केचप लिया है। मिला लेंगे सभी चीज़ों को। अगर आपके पास सेज़वान सॉस, पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो टोमेटो केचप आप डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हम नमक डाल लेंगे। अब मैंने यहाँ 1/2 कप पनीर लिया है, जिसको क्यूब्स में कट कर लिया है, एकदम छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट किया है, ये डाल लेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। 1 से 2 मिनट हम इसको चलाएंगे, फिर इस गैस को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। देखिए बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनी है। अब मैंने यहाँ 3 सैंडविच ब्रेड लिए हैं। 1 ब्रेड को मैंने जो बीच में रखना है ब्रेड, उसको सेक लिया है, और 1 ब्रेड पे मैंने ग्रीन चटनी यानी कि हरी धनिया की चटनी को स्प्रेड किया है, और उस पर खूब सारी स्टफिंग रखी है, और फिर हम मोज़रेला चीज़ रख देंगे, और जो हमने सेक लिया था उस ब्रेड को बिल्कुल बीच में रखेंगे। 1 चम्मच हम टोमेटो केचप डाल लेंगे, या फिर पिज़्ज़ा सॉस भी आप यहाँ डाल सकते हैं। अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब मैंने यहाँ कुछ सब्जियाँ ली हैं, तो थोड़े से हम टोमेटो स्लाइस रख देंगे और थोड़े से हम क्यूकम्बर स्लाइस रख देंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ कुटी हुई काली मिर्च को स्प्रेड किया है, और 1 मैंने यहाँ चीज़ स्लाइस लिया है। अब जो तीसरे वाला ब्रेड है उस पर हम हरे धनिया की चटनी लगा लेंगे, या आप चाहें तो ग्रीन चिली सॉस भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा और चीज़, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो वो डालेंगे हम इस पर, और इसे अच्छे से बंद कर देंगे। अब इसे सेक लेंगे, तो उसके लिए तवा गरम कर लिया है मैंने, और उस पर थोड़ा सा हम बटर डाल लेंगे और सैंडविच को रख देंगे। और जिस साइड हमने ब्रेड पे बटर लगाया है वो साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे, जिसे दोनों तरफ से हम अच्छे से पलट पलट कर सेक लेंगे। अगर आप, मैंने यहाँ मक्खन पहले लगा दिया था, अगर आप बाद में लगाएं
बाद में भी लगा सकते हैं। एक साइड लगा के आप तवे पे सेक लीजिए और दूसरी साइड फिर मक्खन लगा लीजिए और फिर सेक लीजिए। ऐसे ही हम पलट पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लेंगे। देख बहुत ही अच्छे से सेक लिया है हमने और बहुत ही बढ़िया इसमें कलर भी आया है और क्रिस्पी भी है, तो निकाल लेते हैं। देखिए मैंने इसे निकाल लिया है और आपको कट करके दिखा रही हूँ। वाओ देखिए बहुत खूब सारा इसमें स्टफिंग हमने भरा है और खूब सारा चीज़ है, पनीर है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ऐसे बना सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। देखिए खूब सारी इसमें स्टफिंग है और चीज़ भी आप देख पा रहे होंगे, तो ऐसे आप पनीर सैंडविच बना सकते हैं। तो ये लीजिए बच्चों का फेवरेट पनीर सैंडविच बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप उनके लंच बॉक्स में रख सकते हैं या फिर आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं या फिर जब भी वो स्कूल से आएं तो उनके लिए आप गर्मा गर्म पनीर सैंडविच बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट पर आप शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।